बढ़ती महंगाई और कृषि अध्यादेशों के विरोध में देश भर में कांग्रेस इसे मुद्दा बनाकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। मंदसौर में जहां विगत दिनों पूर्व ही कांग्रेस ने बैलगाड़ी रैली निकालकर प्रदर्शन किया था, तो वहीं मंगलवार दोपहर कांग्रेस के एनएसयूआई इकाई ने प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का पुतला फूंकने का आयोजन किया। खैर, इस आयोजन की कोई परमिशन नहीं ली गई थी, लेकिन जब पुलिस को प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुतला दहन की सूचना मिली तो पुलिस बल फायर फाइटर्स के साथ मौके पर पहुंचा। जब एनएसयूआई कार्यकर्ता ने जिला कांग्रेस कार्यालय के बाहर खड़े होकर महंगाई और कृषि बिलों के विरोध में नारेबाजी करना शुरू किया तो पुलिस बल मौके पर यहां मुस्तैद रहा। इसी बीच कांग्रेस कार्यालय के अंदर से जलता पुतला बाहर आया, जिसे बुझाने की पूरी कोशिश पुलिस बल ने की। प्रदर्शन के बीच कांग्रेस नेता व पुलिस के अधिकारियों के बीच जुमाजटकी भी हुई। कांग्रेस की ओर से दो पुतला दहन किए गए, जिन्हें कुछ देर बाद ही फायर फाइटर की मदद से बुझा लिया गया। इधर मामले में नगर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि एनएसयूआई कार्यकर्ता द्वारा प्रदर्शन की सूचना पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा था, जिसमें पुतला दहन की कोशिश भी की गई, जहां पुतला दहन रोकने का प्रयास किया गया, तो वहीं कांग्रेसियों के साथ बहस के बाद से सीएसपी ने इनकार किया। इस पूरे प्रदर्शन के दौरान तस्वीरें जिस तरह की सामने आई वह ठीक नहीं है। प्रदर्शन के दौरान जब जलता पुतला कांग्रेस कार्यालय से बाहर आया तो खुद कांग्रेस कार्यकर्ता पुतले से दूर भागते नजर आए। इस तरह के प्रदर्शन में कई बार घटनाएं भी हुई है। खैर, इस बार भी एक घटना होते होते टल गई, जब आग बबूला पुतला एक कांग्रेस कार्यकर्ता के ऊपर आने से बच गया। पुतला कहीं का जलाने की कोशिश की थी, प्रशासन ने इसको सफलतापूर्वक बुझा दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस के साथ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की झूमाझटकी भी हुई है सर? नहीं नहीं, ऐसा कोई झूमाझटकी नहीं। क्या कोई परमिशन ली गई थी देश के प्रधानमंत्री का पुतला दहन करने के लिए सर? नहीं, ऐसी परमिशन की सूचना नहीं थी। सूचना ये थी कि ये कुछ करने वाले हैं, तो प्रशासन मुस्तैद था। तो क्या कार्रवाई की जाएगी इन लोगों के खिलाफ? जो भी देखेंगे, अभी लीगल एक्शन जो भी बनता है वो किया जाएगा। किसका पुतला जा रहा था? अरे, आप लोग देखा होगा ना आपने, किसने चलाया था। थैंक यू। देश में जो डीजल पेट्रोल और जो रसोई गैस के जो दाम बढ़ रहे हैं लगातार दिनों दिन, उसके विरोध में आज एनएसयूआई द्वारा प्रधानमंत्री का पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन किया गया। जब देश में यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब 400 रुपये गैस की टंकी हुआ करती थी, डीजल पेट्रोल 70 रुपये के लगभग हुआ करता था। तब वर्तमान में जो केंद्र में बैठे राजनाथ सिंह गैस की टंकी लेकर सड़कों पर बैठे थे, शिवराज सिंह साइकिल रैली निकालते थे, स्मृति ईरानी चूड़िया बेट करती थी, और आज जब डीजल पेट्रोल 92 का हो गया, गैस 700-800 का हो गया, तो ये लोग कहाँ चले गए, कहाँ चुप के बैठ गए? कहीं ना कहीं ये देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। देश ने एक लोकतांत्रिक पार्टी का चयन किया था, लेकिन आज ये लोकतांत्रिक पार्टी लोकतांत्रिक न होकर एक प्राइवेट लिमिटेड बन गई है। पूरा देश का संचालन अडानी अंबानी के वहाँ से हो रहा है। प्रधानमंत्री को जहाँ जनहित की योजना बनानी चाहिए, जनहित के जो कार्य है वो करने चाहिए, वहाँ ये ऐसे ना होते हुए पूरे के पूरे जो अडानी अंबानी के हित में काम हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ऐसा देश की जनता के साथ धोखा हुआ है। कांग्रेस पार्टी, एनएसयूआई, युवा कांग्रेस शुरू से आम जन के साथ खड़ी है, आम जन की लड़ाई लड़ती आ रही है, आगे भी हम ऐसे ही लड़ाई लड़ते रहेंगे।